नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसने सबको हैरान कर दिया। बीजेपी इस जीत से उत्साहित है। ग्राउंड लेवल के वर्कर से लेकर टॉप लीडरशिप तक सब खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जीत के मौके पर दिल्ली से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है वो सुनिए। सभी मतदाताओं को आदर पूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सिर्फ चुनावी सफलता नहीं मिली है, उसका सियासी प्रयोग भी सफल रहा है। ये प्रयोग है बिना सीएम फेस का ऐलान किए चुनाव लड़ना। ये पारंपरिक राजनीति करने वालों के लिए आग का दरिया पार करने से कम नहीं। लेकिन बीजेपी ने इसका साहस दिखाया और किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया, सिर्फ कमल को आगे किया और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि राजस्थान में वसुंधरा को, मध्य प्रदेश में शिवराज को और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को चेहरा नहीं बनाना बड़ी भूल साबित होगा। लेकिन बीजेपी अपने फैसले पर अडिग रही और नतीजा आया तो बीजेपी को एक बार फिर से ये कहने का मौका मिल गया कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी मोदी की गारंटी में बीजेपी ने चुनावी चैलेंज की सबसे बड़ी कार्ड खोज ली है। ये ऐसे ही नहीं हो गया, बीजेपी ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की थी। इलेक्शन मैनेजमेंट की बात हो तो या रैलियों की बात हो, बीजेपी ने हर काम बेहद होशियारी से किया। चुनाव से करीब 4 महीने पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर शुरुआती बढ़त ले ली। बीजेपी को इसके अलावा भी कई बातों का फायदा मिला। जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर थी या हारी थी, इस बार वहां सांसदों को प्रत्याशी बनाया, इनमें से ज्यादातर जीत गए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए वहां सत्ता परिवर्तन का संदेश देने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, इसीलिए वहां जन आशीर्वाद यात्राएं निकालकर लोगों से वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नवंबर के पहले हफ्ते से ही लगातार रैलियां कर रहे थे। अमित शाह भी हर चुनावी राज्य में रोड शो और रैलियां कर रहे थे। शिवराज, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को पार्टी ने एकजुट रखा। इनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा होने नहीं दिया। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में 100 से ज्यादा रैलियां की। शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में लगातार एक्टिव रहे। बीजेपी के नेताओं ने तो दिवाली के दिन भी रैली नहीं रोकी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने मोदी के फैसले पर भरोसा दिखाया तो जनता ने भी मोदी के चेहरे पर मुहर लगा दी। अब पार्टी के सारे नेता जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी मोदी का नाम ही जीत दिलाता रहेगा। एमपी के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में एमपी। अमित शाह ने शानदार रणनीति बनाई। राज्य के संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। इस बार जयपुर से जयपुर की बेटी को जयपुर की जनता ने अपनाया है और इतनी अच्छे वोटों से मुझे जिताया है, तो बहुत ही खुशी है। बहुत स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। समर्थक कह रहे हैं कि दिया कुमारी सीएम बनेगी। ये तो देखिए, ऐसा है कि इनका उत्साह है, इनकी खुशी है और ना केवल मुझे कह रहे होंगे, सब जगह कह रहे होंगे, सब लोगों में होता है ये तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। वही हुआ भी। प्रधानमंत्री का ये कॉन्फिडेंस उस तैयारी का परिणाम था जो जनवरी से ही चल रही थी। प्रधानमंत्री 9 जनवरी से ही चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे थे। चुनाव से पहले इन राज्यों का 27 बार दौरा उन्होंने किया। चुनाव करीब आने पर कैंपेन तेज कर दिया। राजस्थान में 8 दिन रहे, 14 रैली की और 2 रोड शो किए। मध्य प्रदेश में 7 दिन रहे, 14 रैली की और 1 रोड शो किया।
छत्तीसगढ़ में भी मोदी ने 5 दिन प्रचार किया। मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी उसमें हार गई थी। इसके बाद संघ ने बीजेपी को लोकल इश्यूज को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी थी। बीजेपी ने ये सलाह मानी और तब से फूंक फूंक कर कदम रखती रही, विकास कार्यों की रफ्तार भी बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्यों के लिए करीब 2500 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान किया। वो बार बार लोगों के बीच जाते रहे, इस तरह वो विकास को अपनी प्राथमिकता दिखाने की कोशिश में भी कामयाब रहे। इसके अलावा भी वो कांग्रेस के खिलाफ कई मोर्चों पर भारी पड़े। कांग्रेस ने गारंटी वाली योजना के वादे किए तो प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी से जवाब दे दिया। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात की तो मोदी हर रैली में गरीबों, महिलाओं और युवाओं की बात करते रहे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो कर्नाटक की जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करती आई। बहरहाल वीडियो में बस इतना ही। चुनाव से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।